दोस्तों, स्वागत है आपका पैराडाइज एजुकेटर चैनल में। आज हम क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 के एग्जांपल नंबर 9 को सॉल्व करेंगे, जो कि आरएस अग्रवाल के पेज नंबर 18 पर अवेलेबल है। क्या है एग्जांपल, आप सामने देख पा रहे होंगे। एग्जांपल की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे हमारे सामने जो सब्सक्राइबर्स का और वॉच आवर का बैरियर है वो कंप्लीट हो जाए और हम और मोटिवेशन के साथ आपके लिए वीडियो ला पाए। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस 0.57 बार इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है जैसे पिछले 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। और यहां पर भी हम वही मेथड यूज करेंगे जो हमने पहले यूज किया था, ठीक है। ये जो हमारा 0.57 बार है, ये क्या है, इसको हम कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि 5.7 के ऊपर बार लगा है, इसका मतलब क्या है, ये चीज रिपीट हो रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर हम अज्यूम करें लेट एक्स इक्वल्स 0.57 बार, ठीक है, इस तरीके से इसे हम इक्वेशन 1 मान लें। अब हम क्या करते हैं कि हम 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराते हैं। मैंने आपको बताया था कि हम 100 से क्यों करा रहे हैं, क्योंकि जितने भी डिजिट बार के नीचे लिखे होते हैं, जैसे 2 डिजिट लिखे हैं इस केस में तो हम 100 से करवाएंगे, अगर 3 डिजिट होते तो हम 1000 से करवाते, 4 होते तो हम 10,000 से करवाते, इस तरीके से करते। 1 डिजिट होता तो हम 10 से करवाते आ रहे हैं अभी तक पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम 100 से अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगी इक्वेशन, 100x इक्वल टू 57.57 बार, ठीक है। ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि 57.57 बार कैसे आया, तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, उनका लिंक ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, या आप हमारी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगा ये 57.57 कैसे हुआ। अब हम क्या करते हैं, हमारा अगला स्टेप है सेकेंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा 100x माइनस x, और राइट हैंड साइड पे हो जाएगा 57.57 बार माइनस 0.57 बार, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 99x और यहाँ पे आ जाएगा 57, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 57 अपॉन 99, ठीक है। और यही है सिंपल फॉर्म किस डेसिमल की, 0.57 बार की, ठीक है। तो माइनस कैसे किया हमने, यहाँ पे माइनस ऐसे किया है 57.57 बार 0.57 बार, ठीक है। तो जब आप माइनस करोगे तो यहाँ तो 57 का 57 ही बचेगा और ये चीज कट के हो जाएगी 0.00, ठीक है। तो इस तरीके से हमने माइनस किया है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो और हमारी पिछली वीडियो देख के भी हेल्प ले सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगली वीडियो जल्द आएगी, तब तक के लिए जय हिंद।